डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग क्लास 12th के लिए जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो खंड नंबर 4 है, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये हम लोगों का क्या है, चैप्टर है। ये खंड नंबर 4 भी है, चौथा खंड भी है, और इसमें एक ही चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जो चैप्टर है खंड 4 में और चैप्टर नंबर 1 में। चलिए, अब इसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि मैक्सवेल के समीकरण का समाकलन रूप कितने कितने फॉर्म में है। तो तीन तरह का समीकरण देखा था, उन तीनों समीकरण को आप याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, ये हम लोग टॉपिक बनाएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। अब हम लोग देख पाएंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर वन, वन में लिखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ के बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे एक्चुअली कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है। तरंगे के एक्चुअली दो प्रकार होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अभी क्या लिखें, विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसमें विद्युतीय क्षेत्र ब्रैकेट में ई वेक्टर, विद्युतीय क्षेत्र को ई वेक्टर से सूचित करते हैं, जिसमें विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं। परस्पर लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा में लिखेंगे, तरंग संचरण की दिशा ई क्रॉस बी के दिशा में होता है। अब देख पा रहे होंगे, तरंग संचरण, संचरण का मतलब होता है आगे बढ़ना। तरंग जो है से किस दिशा में आगे बढ़ेगा, तो ई क्रॉस बी का जिधर दिशा होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जब क्रॉस कराया जाता है तो इसका जिधर दिशा निकलता है उधर ही तरंग क्या करता है, गति करता है, बढ़ता है। फिर लिखेंगे तीसरा पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंग में ई तथा बी के परमाणु के अनुपात, ई तथा बी के, ई माने विद्युतीय क्षेत्र, बी माने चुंबकीय क्षेत्र, ई तथा बी के परिमाणों के अनुपात, परिमाणों के अनुपात प्रकाश के चाल के बराबर होता है। प्रकाश के चाल के बराबर होता है, अर्थात नीचे में लिखेंगे, अर्थात ई
वेक्टर बटा वी वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, ई वेक्टर बटा वी वेक्टर, यानी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात किसके बराबर होता है? तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। या यूं बोले तो हम लोग या करके एक और चीज लिख सकते हैं कि ई यानी कि विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात है वो सी के बराबर हो जाएगा। सी का मतलब प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो उसके नीचे लिखिएगा अर्थार्थ वाला बात जो यहाँ पर लिखे हैं, उसके नीचे आप लिख लीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में जो ई और बी का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? तो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है, फिर लिखा जाए नेक्स्ट, चौथा नंबर, चौथा नंबर, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के एक निश्चित चाल से, एक निश्चित चाल से गमन करती है, एक निश्चित चाल से गमन करती है। देखिए इसमें क्या लिखे हैं कि निर्वात, निर्वात उसको बोलते हैं जहाँ पे हवा नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ पे निर्वात है यानी कि जहाँ पे हवा नहीं है उस निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल है ना वो हमेशा निश्चित चाल से तय करती है, यानी कि जो निर्वात है जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है बिल्कुल स्थिर होती है, बिल्कुल निश्चित चाल से चलती है, निश्चित चाल से चलती है, वहाँ पे उसके चाल में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यही हम लोग लिखें कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल जो है वो नियत होता है या स्थिर होता है। फिर लिखा जाए नेक्स्ट, पांचवा विशेषता, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निम्नलिखित सूत्र से दी जाती है, निम्नलिखित सूत्र से दी जाती है, निम्नलिखित सूत्र से दी जाती है। चलिए कौन सा निम्नलिखित सूत्र है जिससे हम लोगों का निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल दे सकते हैं? तो सी इज इक्वल टू 1/√ एप्सिलॉन नोट म्यू नोट, ये हम लोग उसके नीचे घेरा मार देंगे, इस फार्मूला को लिखकर घेरा दे देंगे। दोस्त यही जो फार्मूला है इसी फार्मूला से विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल दिया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर बोला जाए तो हम लोग पढ़े, पहले ही पढ़े कि विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल किसको कहते हैं, तो जब ई और बी में डिवाइड किया जाता है तो सी मिलता है, देख लीजिए। और यही सी का फार्मूला होता है 1/√ एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट, तो यही 1/√ एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट क्या हो गया, सी का वैल्यू हो गया। और सी को ही हम लोग किसका चाल बोलेंगे? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल का मतलब ई बटा में बी, ई बटा में वी। ध्यान दीजिएगा बातों को कैसे बोला जा रहा है, पहले बोला कि ई और बी का जो अनुपात होता है, ई और जो बी का अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है?
तो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, मतलब सी के। फिर बोला कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो चाल है उसको हम लोग निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो चाल है वो किस सूत्र द्वारा दिखाया जाएगा, 1/√ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों का यही एक क्राइटेरिया है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये विशेषता नंबर 5 था। चलिए नेक्स्ट विशेषता करते हैं छठा। छठा में लिखा जाए किसी समय टी पर छोटा टी, किसी समय टी पर जेड अक्ष की दिशा में, जेड अक्ष पता है ना, 3 अक्ष होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। तो जेड अक्ष की दिशा में, संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग, तत्कालिक रूप से एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के अनुदिश आवर्त कंपन करते हैं। अनुदिश आवर्त कंपन, आवर्त कंपन करते हैं। चलिए अब इसको देखने के, दिखाने के लिए ना, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको बनाना पड़ेगा एक्स अक्ष वाई अक्ष। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सपोज दैट ये हम लोगों का 3 अक्ष है यहाँ पे, ठीक है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक है। हम लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे मूलबिंदु होता है जिसको जीरो बोलते हैं। अब यहाँ के बाद आप देख पा रहे होंगे तो हम लोग किसी को भी एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष मान सकते हैं। इस बार जब हम लोगों को फिगर ड्रॉ करना है तो इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया और इसको जेड अक्ष मान लिया, ठीक है। अब यहाँ के बाद कैसे होगा, तो यहाँ के बाद से चूँकि जेड एक्सिस में है ना, तो ये होगा ऐसे 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 जाएगा और ये जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ के बाद से आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ऐसा करके, यानी कि बिल्कुल आवर्त में कंपन करता है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है, आवर्त में कंपन करता है, देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पे आवर्त में कंपन कर रहा है। ये हम लोग तरंग बना रहे हैं अभी आपको दिखाने के लिए कि आखिर ये कैसे किसी समय टी पे, जैसे मान लिया ये हम लोगों का ऊपर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, अब ये हमेशा ऊपर ही जाएगा, देख पा रहे हैं ना। तो यानी कि हम लोगों को यहाँ से फिगर दिख पा रहा होगा, कुछ इस तरीके से फिगर बनता है। ये हम लोगों का जेड एक्सिस है, ये जेड अक्ष है, ये ऊपर वाला एक्स अक्ष है और इधर वाला वाई अक्ष है, ठीक है। तो ये 3 अक्ष देख पा रहे हैं आप, एक्स अक्ष, वाई अक्ष इधर हो गया, इधर जेड अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों अक्षों को देख रहे हैं, जिसमें किसी समय टी पर जेड अक्ष में कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित हो रही है। तो जब भी संचरित होगी ना, तो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस दोनों में कंपन करेगी। यानी कि जैसे मान लिया कि एक तरंग जा रहा है, तो सीधा तरंग नहीं जाता है, एक जैसे मान लिया कि तरंग है तो ये घूमते हुए जाता है ऐसे 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 आगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर जेड एक्सिस में किसी समय टी पे विद्युत चुंबकीय तरंग को अगर गुजारा जाता है या संचरित किया जाता है तो किसी एक दिशा में नहीं जाता है, दोनों ही अक्षों में, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्षों में क्या करता है, कंपन करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये हम लोगों को 5-6 विशेषता थे। अब लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम हम लोग किसको कहते हैं, या फिर स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, जरा इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके नीचे फर्स्ट एरो देकर कुछ लिखा जाए। लिखेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय वर्णपट। ध्यान दीजिएगा, स्पेक्ट्रम को ही हम लोग वर्णपट कहते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय वर्णपट गामा किरणों से लेकर, गामा किसको कहते हैं देख लीजिए, अल्फा ये हो गया, ये बीटा हो गया और गामा ऐसे हो गया बीचों बीच, तो यहाँ लिखें क्या, गामा ऐसे, गामा किरणों से लेकर रेडियो तरंग तक फैला हुआ है। रेडियो तरंग तक फैला हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिखे कि जो स्पेक्ट्रम होता है ना, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णपट भी बोलते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो गामा किरणों से रेडियो तरंग, यानी कि गामा किरणों से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, रेडियो तरंग तक फैला हुआ है। अब रेडियो तरंग क्या होता है, जरा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो फिलहाल थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है वो कहाँ से कहाँ तक घिरा हुआ है, तो गामा किरणों से लेकर रेडियो तरंग तक, रेडियो तरंग तक घिरा हुआ है या फैला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एरो देंगे, गामा किरणों और गामा किरणों और एक्स किरणों, गामा किरणों और एक्स किरणों के प्रास अति व्यापन होते हैं। एक्स किरणों के परास, परास परास मतलब रेंज, ठीक है, परास अति व्याप्त होते हैं। अति व्याप्त का मतलब ओवरलैपिंग, अति व्याप्त का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में लिखिएगा ओवरलैप्स, ओवरलैप्स। अब ओवरलैप्स का मतलब, कभी भी आप एक छड़ के टुकड़े को बांधते होंगे, तो एक छड़ यहाँ है और दूसरा छड़ यहाँ है, तो उसको लगा के ना यहाँ से बांधते हैं उस छड़ को यहाँ यहाँ, ठीक है, तो इतना ही पार्ट को हम लोग ओवरलैप बोलेंगे। अगर मान लिया एक छड़ है और इसी पे दूसरे छड़ को हम लोग ला के बांधेंगे, तो ये पूरा का पूरा ओवरलैप कर गया। उसी तरीके से अतिव्यापन उसको कहते हैं। तो लिखा जाए गामा किरणों और एक्स किरणों के प्रास अतिव्याप्त होते हैं क्योंकि इनका वर्गीकरण, क्योंकि इनका वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर है। इनका वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर है, न कि
उनकी आवृत्ति पर, ना कि उनकी आवृत्ति पर। देखिए बोला जा रहा है कि एक्स किरणें और गामा किरणें, यानी कि एक्स रे के बारे में नाम सुने होंगे, एक्स रे जैसे कहीं टूट फूट जाता है तो एक्स रे करवाते हैं, तो जो एक्स रे है वो जो एक्स रे है और गामा रे है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप मतलब अतिव्याप्त हो जाते हैं, और जब अतिव्याप्त हो गए तो हम बोल सकते हैं कि इनका उत्पत्ति हमेशा किसके आधार पर है, तो वर्गीकरण के आधार पर है, न कि आवृत्ति के आधार पर है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि गामा किरणें और एक्स किरणें दोनों आपस में जब अतिव्याप्त होते हैं तो वर्गीकरण के आधार पर इनकी उत्पत्ति होता है, न कि उनके आवृत्ति पर, यानी कि इन दोनों को आवृत्ति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ नीचे फिगर में ड्रॉ करेंगे और तब पता चलेगा कि हम लोग कैसे कैसे सिचुएशन। एक तरफ लिखिएगा आवृत्ति, एक तरफ क्या लिखा जाए, आवृत्ति, ठीक है, एक तरफ लिखा जाए तरंग धैर्य, एक तरफ तरंग धैर्य। ठीक है, अब आवृत्ति में क्या क्या है जरा देख लेते हैं। आवृत्ति में, आवृत्ति याद रखिएगा हर्ज में है, किस में है, हर्ज में। और ये जो तरंग धैर्य है उसको मीटर में मापा जाता है, तो ये मीटर वाला लाइन है, ये तरंग धैर्य वाला लाइन है, दो लाइनें दिख रहे हैं आप। अब यहाँ पे ना आप नोट कर सकते हैं चीज़ों को, हालांकि हम नोट यहाँ पे बस बहुत कम कम ही करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम पढ़े थे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में, कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। तो शुरू में गामा रे होता है, यहाँ पे गामा किरणें होती है जो अनंत से लेकर कहाँ तक होती है, तो मान लेते हैं यहाँ जिसका वैल्यू होता है 10^18। ठीक है, तो यहाँ से लेकर देख पा रहे होंगे इधर, इसका मतलब यहाँ पे बंद नहीं है, बहुत सारा हो सकता है, यानी कि 10^18 से ऊपर वाले को बोलते हैं गामा किरण। ठीक है, जरा किसका, हर्ट्ज वाला ना, यानी कि 10^18 हर्ट्ज से अगर ऊपर रहेगा तो अब हम उसको बोलते हैं गामा किरण। अगर तरंग दैर्ध्य का बात करें तो 10^-10 से लेकर, यानी कि यहाँ है 10^-10 से लेकर ऊपर तक, देख पा रहा हूँ ना, यानी कि गामा किरणें कब कहला रहा है, गामा किरणें कब कहला रहा है, जब या तो आवृत्ति 10^18 से ज़्यादा हो, या फिर तरंग दैर्ध्य कब कहलाएगा, 10^-10 से ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए अब गामा रे तो सीख लिए, अब आते हैं हम लोग एक्सरे। तो एक्सरे कहाँ से तक होता है, तो यहाँ मान लिया यहाँ पे कि 10^20 है। ठीक है, तो 10^20 और लास्ट में आ जाता है 10^16, तो यहाँ से लेकर ये हो जाएगा आपका कौन सा किरण, एक्स किरण, एक्स किरण। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें एक्सरे का, तो 10^-5 से लेकर 10^-3 तक के है, यानी कि 10^-5 है सपोज, तो ये 10^3 और ऊपर ही ना होगा, -3, 10^-3, एक मिनट, यहाँ पे 10^-5 है और एक्सरे का तो 10^-8 से लेकर, सॉरी 10^-8 से लेकर कहाँ तक है आपका, तो 10^12 तक, 10^12। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे एक्स किरने का अगर कोई पूछेगा कि आवृत्ति कितनी है, तो हम बोलेंगे क्या कि 10^16 से ज़्यादा है आवृत्ति, लेकिन अगर एक्स किरने का
हमें बोले जाएगा कि तरंग दैर्ध्य कितना है, वेवलेंथ कितना है, मीटर में नाप के बताओ। तो इसका आंसर करते हैं 10^-8 से लेकर 10^12 तक, -12 तक, 10^-12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गामा किरण हो गया, एक्स किरण हो गया। अब चलो देख लेते हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें याद होना चाहिए, सूर्य में से निकलने वाली हानिकारक किरणें हैं जिसको पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ठीक है, अब पराबैंगनी किरणें कैसे काम करते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वही देखेंगे कि तीसरा नंबर में पहला है गामा किरणें, दूसरा में एक्स किरणें, और तीसरा में जो है पराबैंगनी किरणें हैं। हालांकि इसका छोटा ही आवृत्ति होता है, जैसे मान लिया 10^55 से 15 से 10^17, यानी कि 10^15 से मान लिया जाए यहाँ पे 10^17 है। तो देखिए आपको इसमें ना याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक के आवृत्ति को कौन सा किरणें बोला जाता है। तो 10^17 से 10^15 तक के बीच को हम लोग बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणें किसको कहा जाता है? 10^15 से 10^17 के बीच। ठीक है, अब ज़रा बात कर लिया जाए कि पराबैंगनी किरणें का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो 10^-7 से लेकर 10^-9 तक, यानी कि यहाँ मान लिया जाए 10^-9 है, 10^-7 है, तो यहाँ के बीच से ये और ये पराबैंगनी किरणें होती है। ठीक है, अब पराबैंगनी किरणें के नीचे ही दृश्य प्रकाश होता है। देखिए दृश्य प्रकाश का मतलब हम लोगों को दिखने के लिए, ठीक है, प्रकाश का होना जरूरी है। ये है हम लोगों का दृश्य प्रकाश, ठीक है, जिसमें हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ये ऊपर है तो हम लोग ना इसको देख सकते हैं और ना इससे कम वाले को देख सकते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए ये कितना से कितना होता है। नेक्स्ट का नाम है अवरक्त किरणें। ठीक है, अब अवरक्त किरणें का आवृत्ति कितना होता है? तो अवरक्त किरणें का आवृत्ति जो होता है 10^12 से लेकर 10^14 तक होता है। ये 14 है, ये मान लीजिए 10^12, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बोलते हैं और रक्त किरणें। क्या बोला जाता है इसको? और रक्त किरणें। अगर बात किया जाए तो 10^-3 से 10^-5, यहाँ मान लीजिए कि 10^-5 है और यहाँ पे 10^-3 है, तो इसी के बीच इसका अवरक्त किरण है। ठीक है, तो अवरक्त किरणें देख पा रहे होंगे 10^12 से 14 या 10^-3 से 10^-5 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फिर नंबर आता है माइक्रोवेव का। तो माइक्रोवेव कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 10^10 से लेकर 10^12। ये क्या है? इधर इधर आवृत्ति है, ध्यान दीजिए, हर्ट्ज में। तो अगर किसी भी पदार्थ का या तरंग का या किरणें का आवृत्ति 10^10 से लेकर 10^12 तक रहेगा, तब हम उसको बोलते हैं माइक्रोवेव या माइक्रो तरंग है। माइक्रो तरंग, ठीक है, माइक्रो तरंग। लेकिन दोस्तों अगर कितना इसका तरंग दैर्ध्य होना चाहिए, ज़रा इस पर भी गौर होना चाहिए। तो माइक्रो तरंग का जो वैल्यू होता है वो 10^-2 होता है, बिल्कुल पूरा पूरी वैल्यू होता है 10^-2 मीटर। ठीक है, तो ये है हम लोगों का माइक्रो तरंग। फिर आगे बढ़ते हैं, तो माइक्रो तरंग के बाद जो आता है वो रेडियो तरंग आता है, जिसको हम लोग 10^1 से लेकर 10^ कहाँ तक के, तो टोटल यानी कि 12 तक, 10^12 से लेकर 10^1, ये कितना है? तो 10^1, इसी को हम बोलते हैं रेडियो तरंग। ठीक है,
अगर हम इधर बात कर लें तो 10 के पावर कितना से, तो तरंग दैर्घ्य का बात कर रहे हैं, इधर सब तरंग दैर्घ्य है ना, तो इस तरंग दैर्घ्य में बात करें तो जो रेडियो तरंगे हैं वो 10 के पावर -3 तक के जाती है, -3 से लेकर नीचे तक, ठीक है। यानी कि आपको इधर बढ़ते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को यही 10 के पावर 1 तक स्टॉप हो जाना है। इसको नहीं बनाइएगा, सीधा सिर्फ बनाइएगा ताकि और भी नीचे तक जा सके। तो आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, इसी डायग्राम से पता चलता है कि विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होती है ना, ये इनका डेफिनेशन ये हो सकता है कि यदि विद्युत चुंबकीय तरंग या वर्णपट वाई किरणों से लेकर रेडियो तरंग तक फैला हुआ है, ठीक है, रेडियो तरंग तक के फैला हुआ है, देख रहे हैं, इसी में आता है एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और रक्त किरणें, माइक्रो तरंग, ये सभी आते हैं, ठीक है। इसलिए इसको इस पार्ट्स में बांटा है, तो हम लोगों को यहाँ पे पता चल रहा है कि इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। एक तरफ उसका आवृत्ति है, एक तरफ उसका बोल सकते हैं कि पर तरंग दैर्ध्य है जो कि मीटर में है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग इस फिगर को बना लेंगे ज़रूर और चीज़ों को याद भी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।